मैं हृदय रेखा बोल रही हूँ। मैं बुद्ध पर्वत से होकर सीधा बृहस्पति पर्वत के बीच तक जाती हूँ। मेरे ही प्रभाव से व्यक्ति परोपकारी होता है, निष्पक्ष न्याय करने वाला बनता है, प्रेम के मामले में धैर्य रखने वाला बनता है और जो कहता है वही करता है। मेरे ही प्रभाव से व्यक्ति सौंदर्य जाल में नहीं फंसता और ईश्वर से डरने वाला होता है। मेरे ही प्रभाव से शुद्ध प्रेम करने वाला और किसी को ना धोखा देने वाला व्यक्ति होता है। मैं अगर स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ, सीधी स्पष्ट रूप से बुद्ध पर्वत से निकलकर बृहस्पति के पर्वत के बीच तक जाती हूँ तो मैं व्यक्ति को एक आदर्शवान चरित्र देती हूँ, आदर्शवान बनाती हूँ और शांत और सरल सुखी जीवन उसको व्यतीत कराती हूँ। ये मेरा पहला प्रकार है। इसी प्रकार से मेरे अनेक प्रकार हैं, मेरे 5 प्रकार हैं। मेरा दूसरा प्रकार है कि मैं बुद्ध पर्वत के नीचे से निकलकर सीधी बृहस्पति पर्वत के नीचे जाती हूँ। जब मैं इस स्थिति में होती हूँ तो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बना देती हूँ, उसे मान पद प्रतिष्ठा धन आदि के लोभ में फंसा देती हूँ, उसे धन आदि का लोभ हो जाता है। अब वो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर दे उसको होश नहीं आता, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही मानता है। और मैं ही कुछ कर गुजरने की सलाह ऐसे व्यक्ति को देती हूँ, प्रोत्साहन ऐसे व्यक्ति को देती हूँ। मैं हृदय रेखा हूँ और मैं हृदय संबंधित सभी समस्याएं व्यक्ति को देती हूँ और सारी प्रसन्नताएं मैं व्यक्ति को प्रदान करती हूँ। मैं व्यक्ति को अनेक रोगों से बचाती हूँ। अगर मेरी स्थिति ऐसी हो तो व्यक्ति पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके तभी मानता है। और भी प्रकार है। मेरा तीसरा प्रकार है, अगर मैं सीधी जाकर गुरु पर्वत पर ऊपर के लिए चली जाऊँ तो ऐसे में मैं व्यक्ति के द्वारा बनाई हुई सभी योजनाओं को सफल करा देती हूँ। और यदि मैं सीधा आगे जाकर नीचे के लिए झुक जाऊं तो मैं योजनाओं में व्यक्ति को असफल बना देती हूं कि मैं बुद्ध पर्वत से निकलकर सीधा सूर्य पर्वत के नीचे ही रुक जाती हूं। ऐसे में मैं व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना देती हूं और प्रेम के मामले में बड़ा ही शांत बना देती हूं और हृदय से गंभीर बना देती हूं। जब मेरा रूप हाथ में इस प्रकार से होता है तो ऐसे व्यक्ति सफल निंदक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मैं सफल निंदा करने वाले बना देती हूँ। निंदा किसी की करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऐसा अगर मेरा रूप हो तो मैं ऐसा बना देती हूँ और दुखी की सहायता नहीं करने देती हूँ। हृदय कंपन, घबराहट, हार्ट अटैक, मूर्छा आदि जैसी बीमारियों को मैं उत्पन्न करती हूँ। रिस्क लेने की आदत मैं ही व्यक्ति के अंदर बनाती हूँ। मैं हृदय रेखा हूँ। मेरा चौथा भी प्रकार है। मेरा चौथा प्रकार है, बुद्ध पर्वत से निकलकर सीधा शनि पर्वत की ओर जाती हूँ और वहीं जाकर रुक जाती हूँ। मैं ऐसे में व्यक्ति को प्रेम के मामले में धोखेबाज बनाती हूँ, छल कपट इनका गुण बना देती हूँ और विश्वास पात्र इनको बिल्कुल नहीं रहने देती हूँ। प्रेम और वासना में इनको मैं डाल देती हूँ, झूठी कस्में मैं इनको खिलाती हूँ, थोड़ा प्रेम प्रदर्शन कराती हूँ, भावना इनकी एकदम प्रबल कर देती हूँ, फिर ये अपना स्वार्थ पहले देखते हैं। आडंबर रचने में ऐसे लोग काफ़ी प्रिय बना देती हूँ, एक बार विश्वास कर लेते हैं इन पर लोग, लेकिन दोबारा नहीं करेंगे। मैं ही इनके राज खुला देती हूँ, लोग इनसे घृणा करने लगते हैं। मैं इनको अविश्वासी बना देती हूँ, धोखेबाज बना देती हूँ, समाज में इन्हें किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं होने देती। मैं हृदय रेखा हूँ। मेरा दूसरा एक और प्रकार है, यदि मैं सीधी आगे जाऊँ और दो मुखी हो जाऊँ तो ऐसे में मेरा प्रकार मान सम्मान को दिलाता है, एक अच्छे हृदय वाले व्यक्ति की पहचान करा देता है और ऐसे में मैं कर्म प्रधान व्यक्ति को बना देती हूँ, काफ़ी धन की भी प्राप्ति करा देती हूँ। ऐसे में प्रेम संबंधित विवाह भी करा देती हूँ क्योंकि मैं हृदय रेखा हूँ। मैं अगर सीधी जाऊँ और मेरी बहन आगे से आकर मेरे से मिल जाए तो ऐसे में मैं व्यक्ति को अपने दिमाग से बिल्कुल नहीं सोचने देती हूँ, सब दूसरे के कहने से कराती हूँ, जैसा किसी ने कहा वैसा ही करवा देती हूँ। और मेरा एक और प्रकार है, मेरी बहन अगर सीधी आगे आकर, मस्तिष्क वाली मेरी बहन है, मस्तिष्क रेखा, यदि वो रेखा मेरे से आकर सीधा मेरा कटाव कर दे तो मैं ऐसे में व्यक्ति को रोगी बना देती हूँ। एक शाखा निकलकर अगर मस्तिष्क रेखा को काट दे तो ऐसे में मैं दिमाग को अशांत कर देती हूँ, हृदय को अशांत कर देती हूँ, मन कहीं नहीं लगता, हृदय विचलित रहता है, ऐसी समस्याएं मैं तनाव में पैदा करती हूँ और आंतरिक द्वंद्व बना देती हूँ। मेरी काया के अंदर यदि कोई द्वीप आ जाए तो ऐसे में
मैं समाज सेवी व्यक्ति को बना देती हूँ, अपने लिए समय नहीं निकाल पाता, समाज की सेवा में व्यक्ति को लगा देती हूँ। और यदि मैं सीधी आगे जाऊँ और मेरे पे एक तारे का चिन्ह बन जाए तो व्यक्ति के साथ मैं दुर्घटना करा देती हूँ, उसको काफ़ी चक्कर में डाल देती हूँ, परेशानी में डाल देती हूँ। और मेरे को अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएँ आकर काट दें तो मैं व्यक्ति को हृदय रोगी बना देती हूँ, हृदय संबंधी समस्याएं उसको आने लगती हैं। जिस प्रकार से आपको समझ में आए मेरे लिए वही अच्छी बात है, मैं उसी प्रयास में लगा रहता हूँ। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में बता दें कि हमें इसी वाला प्रकार अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसी प्रकार की नई वीडियो आएंगी। धन्यवाद।